में जाएंगे पर तो अपना पहले चेकअप तो कंप्लीट करवा ले। ओ यार मैं ठीक चल ना। सर हमारा गलती से एक्सीडेंट हो गया था सर, हमें माफ कर दीजिए। कोई डरपोक हो ना वो तेरे जैसा। अतन मेरी बात मान, तो यार हम इससे माफी मांग के निकल जाते हैं यार। अगर हमने ऐसा ना किया और इसे पैसे ना दिए तो यार हमें पुलिस के पास ले जाएगा। ओए ऐसे लोगों का ना इन्हीं के तरीके से जवाब देना पड़ता है। ओए मेरे पैसे निकाल, मैं तुम लोगों की बक बक खाई सुनने के लिए निकल हूँ यहाँ पर। ओए जा बुड्ढे, नहीं देते तेरे पैसे, क्या कर लेगा। मैं पुलिस को कॉल करके तुझे अंदर निकलवाऊंगा, मेरे पास तो तेरी फोटो भी है। जो करना है कर ले, नहीं डरता मैं तेरे से। तो ठीक है कॉल करता हूँ पुलिस को। शासन मैं आपको पैसे दे दूँ, बताइए आपको कितने पैसे चाहिए। 1 करोड़। शासन इतने तो नहीं है। जो भी कर जल्दी कर, मुझे अपने पैसे चाहिए। नहीं देते पैसे, बता क्या कर लेगा। जेल लेके जाएगा मम्मी, कल पुलिस को कॉल। हेलो सर, मैं 2 बंदे आपके पास भेज रहा हूँ, बल्कि नहीं आप खुद ही आ जाइए। अच्छा आप इस एरिया में, तो ठीक है सर आप आइए, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। ओए चलो मेरे साथ। मुराद मुझे कुछ हो रहा है यार। मेरे दोस्त को छोड़िए, मुझे ले चलिए। मेरे दोस्त की तबीयत ऐसे कभी कभी खराब होती है सर। यार तूने सही कहा था, अपना प्लान तो काम कर गया। मानता है फिर मुझे। अदन और शाह को कॉल कर दो, उधर जाकर अपना हिस्सा ले दो। हेलो अदन, ये कहाँ पे तू, मुझे पता मैं भी इस जगह पे हूँ। और तेरा जो, हाँ हाँ तेरा जो दोस्त था, मैं वही बता रहा हूँ कि तेरा जो दोस्त था मुराद, उसको मैंने अंदर कर दिया। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मैं इधर अंदर, हाँ इधर ही आता हूँ। हाँ यार मतलब इसको यही कहना कि जल्दी से जल्दी मुराद से हिस्सा निकलवाए। चल अभी आता होगा ना, फिर उससे यही बात करते हैं। ओए फयाज आ गया। ओए यार आ जा बैठ जा। और यार बताओ। यार बस तुम लोग मेरा हिस्सा मुझे दे दो। यार एक सेकंड पहले माहौल तो बनाओ। ये बात देख फयाज, मेरी बात अब गौर से सुन। तूने उसको इतना टॉर्चर करना है, इतना टॉर्चर करना है कि वो हमें 1 करोड़ देने को तैयार हो जाए, उसमें से हम सब बांट लेंगे। तू उसको इतना मजबूर कर, इतना मजबूर कर के वो कर दे। ठीक है तो कह रहा हूँ बिल्कुल।